Hello and welcome. Today we shall talk about the Government of India Act 1935. Government of India Act 1935 के बारे में अच्छे से बात करेंगे और इसको समझेंगे कि इसमें क्या चीज़ है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि ये एक नींव थी जिसके बाद में इंडिया इंडिपेंडेंस होने के कगार पे था और इस एक्ट में जितने भी नियम कायदे कानून बने कहीं ना कहीं जाके उसने नींव रखी एक इंडिपेंडेंट इंडिया की और उसी तर्ज पे आज भी काफ़ी चीज़ें लागू होती हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। तो देर वर मेजर रिफॉर्म्स विच आर इंट्रोड्यूस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन द ईयर 1935 में ये रिफॉर्म आया एंड वी शैल डील विद देम इन डिटेल इन दिस वीडियो। कुल मिला के ये 11 पॉइंट्स हैं जो आपको समझने ज़रूरी है ताकि आप इस पूरे एक्ट को अच्छे से समझ पाएँ और ये 11 जो हैं वो पॉइंट्स आपको याद भी रखने पड़ेंगे और एक समराइज फॉर्म में मैं बता रहा हूँ इसको। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि इट क्रिएटेड एन ऑल इंडिया फेडरेशन। इस एक्ट के अंतर्गत ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया। उसके अंदर जो था ब्रिटिश इंडिया पूरा इंक्लूड करना था। ऑल इंडिया फेडरेशन में ब्रिटिश इंडिया इंक्लूडेड था और प्रिंसली स्टेट्स इंक्लूडेड थे, ठीक है। लेकिन इट वाज नॉट कंपलसरी फॉर द प्रिंसली स्टेट्स टू जॉइन द फेडरेशन। यहाँ पे कंपलसरी नहीं किया गया था प्रिंसली स्टेट्स को कि वो एक फेडरेशन को ज्वाइन करें। तो इसके लिए यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स डिड नॉट गिव देयर कंसेंट। जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर थे उन्होंने अपनी कंसेंट नहीं दी एंड द फेडरेशन एनवेजाइज्ड बाय द एक्ट नेवर केम इनटू बीइंग। क्योंकि रूलर्स ने प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स ने अपनी स्वीकृति नहीं दी, हामी नहीं दी, इसलिए ये जो फेडरेशन की बात थी ये कभी सामने आया ही नहीं। अगर शुद्ध हिंदी में बात करूँ तो भारतीय राज्यों के शासकों ने अपनी सहमति नहीं दी और अधिनियम द्वारा प्रवर्तित महासंघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। तो ये इसका मतलब है। अब तीसरा पॉइंट, इट इंट्रोड्यूसेस डायार्की एट द सेंटर। डायार्की का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक से ज़्यादा गवर्नमेंट्स इसको कंट्रोल करती है, एक से ज़्यादा लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो ये सिस्टम ऑफ डायार्की था जहाँ पे ब्रिटिश रूल का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विद हेल्प ऑफ द क्राउन वॉज गवर्निंग द स्टेट दैट इज इंडिया। अब द सब्जेक्ट्स अंडर द फेडरल लिस्ट वर डिवाइडेड इंटू टू। फेडरल लिस्ट के जो सब्जेक्ट थे वो दो चीज़ों में डिवाइड किए गए थे, पहला तो रिजर्व कैटेगरी और दूसरी ट्रांसफर्ड। इसके बारे में भी लास्ट वीडियो में बात की। नेक्स्ट, द रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल रिजर्व लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स थे, जो भी चीज़ें थी, उनको गवर्न करते थे, उनको रेगुलेट करते थे। हु एडमिनिस्टर्ड देम विद द हेल्प ऑफ थ्री काउंसिलर्स। जो गवर्नर जनरल थे वो तीन काउंसिलर्स की हेल्प से इस लिस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करते थे, जो कि उसी के द्वारा गवर्नर जनरल द्वारा ही अपॉइंट किए जाने थे। दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और ये लोग लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। अनलाइक ये केस के जैसा नहीं है, वो इस पॉइंट में बता रहा हूँ। द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में क्या होता था, बट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए जाते थे उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, बट इसमें 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए थे। ऊपर तीन थे, यहाँ 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए थे। द काउंसिल हैड टू एक्ट इन कॉन्फिडेंस विद द लेजिस्लेचर। यहाँ पे अनलाइक ऊपर वाले पॉइंट के, यहाँ पे जो है लेजिस्लेचर की स्वीकृति के बिना ये एक्ट नहीं कर सकते थे। यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और छठा पॉइंट, दिस एक्ट मेड द सेंट्रल लेजिस्लेचर बाय कैमरल। सेंट्रल लेजिस्लेचर जो थी उसको बाय कैमरल अपर हाउस और लोअर हाउस में बांट दिया गया, कंप्राइजिंग ऑफ टू हाउसेज लेजिस्लेटिव हाउसेज, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली हुज टेन्योर इज फॉर 3 years, 3 साल का उसका टेन्योर था, इन द स्टेट काउंसिल हुज टेन्योर इज फॉर 5 years, स्टेट काउंसिल का 5 साल का टेन्योर था। अब लेजिस्लेचर्स ऑफ बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, बिहार, आसाम, ये सारे जितने मैंने नाम लिए ये सब, और इसके साथ में द यूनाइटेड प्रोविंसेस वर मेड बाय कैमरल। इन सब जो है प्रोविंसेस को बाय कैमरल बना दिया गया, यानी कि जो बाय कैमरल का मतलब मैंने आपको बताया गया था कि लोकसभा और राज्यसभा जिस तर्ज पर बने उसी तरीके से दो भागों में लेजिस्लेचर को बांटा गया, एक तरीके से राज्य शासित और दूसरा केंद्र शासित। अच्छा, अब 8th पॉइंट, द एक्ट मेड 3 lists फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग लेजिस्लेटिव पावर्स। इस एक्ट ने 3 lists बनाई जिससे कानून बनाने की जो शक्ति है उसको डिवाइड किया। जो कानून बनाने की शक्ति है उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर। जैसे आज भी जो कानून बनाया जाता है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर अलग बनाता है और राज्य जो स्टेट है वो अलग बनाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा, तो उसी तर्ज पर आज भी चलता हुआ आ रहा है। तो वहाँ पे फेडरलिस्ट
एंड प्रोविंशियल लिस्ट, फेडरल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट दो अलग अलग थी, और कॉन्करेंट लिस्ट टोटल हो गई तीन, फेडरल प्रोविंशियल और कॉन्करेंट। कॉन्करेंट में आज भी हमारे यहाँ पे तीन लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिसमें दोनों जने बना सकते हैं कानून, और सेंट्रल लिस्ट में दिखती बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और स्टेट में रेस्पेक्टिवली स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार बनाती है। अब नाइन्थ पॉइंट हमारे पास है कि द एक्ट एस्टैब्लिश्ड अ फेडरल कोर्ट। इस एक्ट ने एक फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश की। द फेडरल कोर्ट हैड अ चीफ जस्टिस, इस फेडरल कोर्ट का एक चीफ जस्टिस था और उसके साथ में छह अदर जजेस थे। द कोर्ट हैड ओरिजिनल अपीलेट और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल भी ज्यूरिसडिक्शन था, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन भी था और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी था, यानी एडवाइस करना। लास्ट पॉइंट है, 11th पॉइंट, द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाने का तर्ज दिया इस पर्टिकुलर एक्ट में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक और प्रोविंशियल और पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब बनाने का इसमें एक्ट में जो है प्रोविजन दिया गया। ये 11 महत्वपूर्ण बातें फटाफट से हमने ये देख लिया, और बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में, बट ये जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। और ये 11 पॉइंट्स इस पर्टिकुलर एक्ट को समराइज कर देते हैं। तो दीज वर द 11 पॉइंट्स दैट नीडेड टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन वेन वी स्टडी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ये जो अधिनियम है इसको पढ़ते हुए ये 11 पॉइंट्स हमेशा आपको याद होने चाहिए। ऑल द एसेंशियल पॉइंट्स हैव बीन डेल्ट विद इन डिटेल, ये सारी चीज़ें बारीकियों के साथ इसमें डील कर दी गई है। आप ये चाहें तो किसी भी बुक को, पुस्तक को उठा के पढ़ सकते हैं, बट ये जो 11 पॉइंट्स है ये इसको समराइज करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो एज़ यूजुअल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़्यादा करें। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।